टू माई न्यू व्लॉग। अभी सुबह के 6:30 हो चुके हैं और हम 5 बजे उठ गए थे और यहाँ पे सबका सामान पैक हो रहा है। सबके सामान गाड़ी में रखे जा रहे हैं। कोई देहरादून वाले देहरादून जाएंगे और सब कोई श्रीनगर वाले हैं श्रीनगर जाएंगे। आपको दिखाते हैं सबका सामान पैक। तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे बैग पैक हो चुके हैं। उन्होंने ऊपर पे बैग रख चुके हैं। ये देखो सुबह का व्यू यहाँ का, और देखो वहाँ पे। आए थे और यहाँ से ये श्रीनगर के लिए निकलने लग गए और हम यहाँ से केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। और ये जा रहे हैं, इन्होंने रेनकोट ले चुके हैं और ये हम आगे जा रहे हैं। अभी हम पुल में पहुँच चुके हैं और ये मेरी मामी है, मम्मी है पीछे, मौसी है और ये भाई बहन आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे से हमें गाड़ी मिलेगी। अब ये पुल क्रॉस करने से हमें गाड़ी मिलेगी। हमने पुल क्रॉस कर चुके हैं, यहाँ पे हमें गाड़ी मिलेगी। ये देख सकते हो आप पहाड़ कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू। यहाँ हम चल रहे हैं, यहाँ आगे से चल रहे हैं। ये हमारी ट्रैकिंग शुरू यहाँ से। ये बैठक है जिनको इनके साथ जा सकते हैं। देख सकते हो आप जिनको घोड़े में जाना है वो नीचे से घोड़ा बुक करके लाते हैं और यहाँ पे भी पूछ ही लेते हैं ये लोग। यहाँ पे डंडे भी रखे हैं। सारे लोग आते हैं यहाँ पे। देखो कितनी भीड़ लगी यहाँ पे। देखो यहाँ पे झंडा भी है। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई, दिल ना लगाया हमने किस। थक चुकी हैं, घोड़े में आ रही हैं, देख सकते हो आप। घोड़ा कर लिया आराम। बाय मौसी। रुको। हम तब से वेट कर रहे थे, मम्मी लोगों का आए नहीं थे। अब मम्मी लोग भी आ गए हैं वहाँ पे, देखो घोड़े के पीछे साइड में और भाई लोग। मम्मी और मामी आ रहे हैं पीछे से, बाहर वो आ रही है। देखो यहाँ पे सबके लिए, जी जिसको घोड़ा चाहिए होगा वो ले सकता है। हर रास्ते में हर जगह पे है वो, देख सकते हो आप। झरना आ रहा है वहाँ पे। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई, दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने यूं तो कई ऐसे तुम मिले हो। अरे उसको गर्मी हो गई, जैकेट उतार दी इसने। मार वो, अभी नहीं सुन रही, अपनी धुन में चल रही है। ये देख सकते हो हर जगह पे झरने बने, झरने हैं, पानी आ ही रहा है कहीं। थोड़ा एनर्जी के लिए सेब सेब निकाला है, सेब को खाते ना प्यारा लग रहा है। इन वादियों में टकरा चुके हैं हम। स्टॉल है, लग रहा है। अभी वहाँ आगे पे ब्रिज है, अभी दिखाते हैं आपको, वहाँ से पूरा दिखाई देगा। उधर की साइड पहाड़ कितना ऐसे लग रहा है, वहाँ पे बारिश हो रही है और यहाँ पे देखो धूप लगी है बहुत भयंकर। देख सको, देखो
जाइए। अभी हमने उधर जाना है, वो जो दिख रहा है वहाँ पे तक जाना है, अभी बहुत दूर है। मौसम का भी कोई भरोसा नहीं रहता और थोड़ी थोड़ी बारिश होने लग गई है और थकान भी लग चुकी है। आई एम घर से, ये पुल दिख रहा है, वहाँ से हम लोग आए हैं। ये मम्मी जा रही है, ये बहन है, वो मामी जा रही है, भाई है। ये शुरू हो चुकी है और अभी अभी हमने रेनकोट भी पहन चुके हैं। हालत कैसी हो चुकी है सब, अलग नज़ारा। आराम आराम से ले जा रहे हैं, किसी की तबीयत खराब हो चुकी है इसलिए उनको ऐसे ले जाया जा रहा है। रोटी खाने के लिए बैठ रखे हैं और ये कृष्णा है, चार पांच पार्टी कर रहे हैं, और ये मामी और बारवी बैठ रखे हैं, और ये मम्मी है, और अभी परौंठे आ रहे हैं, परौंठे के इंतज़ार में बैठे हुए हैं हम लोग, और अभी मिलते हैं। हमें हॉट चलना है, वो लास्ट स्टैंड दिख रहा है ऊपर पे, उधर जाना है। अभी बहुत चल गए हैं फिर भी भयंकर थक लग गई। आप व्यू देख सकते हो, बहुत प्यारा है। पे टेंट लगे हुए हैं, देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं यहाँ पे। देखो जादू से ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही बचा है। हमारा गढ़वाली यात्रा छन, यात्री छन, ये थक गिन से तो फोनी मलगी आयु घोड़ा भी आएगी, डंडा लेके घोड़ा लेके डंडा। देख सकते हो आप व्यू यहाँ से कितना प्यारा आ रहा है। इससे आगे घोड़े नीचे आते और यहाँ से आगे थोड़ा पैदल है। का वेट कर रहे थे तो मम्मी लोग भाई लोगों का वेट कर रहे थे, वो तो दिख नहीं रहे पर मम्मी लोग तो तब से वेट कर रहे हैं, और भाई लोग अभी आए नहीं और ये पहुंच चुके हैं। वो अभी हम कब से वेट कर रहे हैं, चुका है, और ये कोरा कोरा लग चुका है यहाँ पे। और ये ठीक है, आप देख सकते हो हम फाइनली पहुंचने वाले हैं, और ये यहाँ पे रहने के लिए टेंट वगैरह हर जगह पे सुविधा है। और देख सकते हो आप यहाँ पे कोरा लग चुका है, ऊपर पे बर्फ़ गिरी है। सी कब की आ चुकी थी, घोड़े पे आ गई थी और कब से हमारा वेट कर रही हैं, और फाइनली हम उनके पास पहुंच चुके हैं। ये मौसी के मेहमान, फाइनली हम मौसी के पास पहुंच ही चुके हैं लगभग। ये मंदिर की लाइट जली है और ये हमने पुल क्रॉस करना है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं।